तो क्या हुआ अगर जीवन में थोड़ा सा संत्रास लिखा है? जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। जिस काया में गर्भ विराजे उसकी रंगत खो जाती है। अन्न उपजना होता है तो धरती छलनी हो जाती है। जो डाली फलती है उसको बोझा भी ढोना पड़ता है। भोर अगर नम होती है तो रातों को रोना पड़ता है। पत्ता पत्ता झरना सीखा तब जाकर मधुमास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। फूल लदी डालों से जो तूफान भिड़े वो महक उठे हैं। साजिंदे की उंगली से जो साथ छिड़े वो चहक उठे हैं। जिस राघव ने घर छोड़ा था उसने पूरा युग जीता है। जिस रानी ने सुख मांगा था उसका अंतर्मन रीता है। कैकेयी ने तो खुद अपने ही जीवन में वनवास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। खोने को तो पांचाली के पांच सुतों ने जीवन खोया। लेकिन जो रण में जूझा था युग उसके ही शव पर रोया। काया वज्र बनानी है तो तय मानो लोहा पीना है। उत्सव के हर एक कारण को एकाकी जीवन जीना है। शबरी ने जीवन भर आंसू भोगे तब उल्लास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा है। प्यारे साथियों, ये कविता, ये कहानी, ये लाइन आपके जीवन के लिए काफी प्रेरणादायक हो सकती है। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ छाप छोड़ देना चाहते हैं, अपना पद चिन्ह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ना पड़ेगा। भलाई करनी होगी, दुखियों के दर्द को समझना पड़ेगा। और ये सब कार्य करते हुए आपको बड़ी पीड़ा होगी। कठिन से कठिन संकटों का सामना आपको करना पड़ेगा। इन सभी संकटों को झेलकर उबरना ही आपके जीवन को सफल बनाएगी। और जिसने जितना पीड़ा झेला उतना ही इतिहास लिखा है, इस एक लाइन में कई सारे लाइनों का समायोजन है। आप इस एक लाइन को सिद्ध करने के लिए अपने पूरे जीवन को लगा सकते हैं। आपके जीवन में कई सारी कठिनाइयां आएंगी। उन कठिनाइयों को झेलकर उबर जाना ही इस लाइन का मकसद है। आप सफलता को प्राप्त करें। कठिनाइयों से, संकटों से ना डरते हुए चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें। इतिहास लिखें, इतिहास लिखें।